मध्य प्रदेश की हालत सबसे खराब, छिपाए जा रहे आंकड़े। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अप्रैल के बाद मई में भी घातक असर दिखा रहा वायरस, 5 दिनों में 125 जिंदगियां छीनी। कोरोना मरीजों से निजी एम्बुलेंस नहीं वसूल पाएंगे अनाप शनाप किराया, प्रशासन ने निर्धारित किया रेट। गौवंश तस्करी करते हुए पकड़ा गया 12 चक्का ट्रक, बजरंग दल की सक्रियता से पकड़े गए तस्कर। पंडाल का एकमुश्त साल भर का अग्रिम भुगतान की बड़ी, 17 दिन समय सीमा, मिलेगी 1 महीने की छूट। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ अल्प समय के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई पट्टी में ही मीडिया से ही चर्चा की। हवाई पट्टी पर दोनों नेताओं की अगवानी करने जिले के कांग्रेस विधायक सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी सहित कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खराब हालत पूरे देश में है। यहाँ तो सब जो आंकड़े हैं दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं, इससे कोविड दूर नहीं होने वाला। 3 महीने से सब जानते थे सेकेंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व ने तैयारी करी, खाली भारत ही एक ऐसा देश था, बहुत शर्म की बात है, कोई तैयारी नहीं थी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, छिपा रहे हैं, दिबा रहे हैं, और प्रभारी मंत्री कुछ भी कहे, छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ सब विधायक और सांसद कांग्रेस के हैं, हर जिले में हाई आए हैं, और राज्य सरकार कह रही है वो छिंदवाड़ा की मदद कर रही है, तो शराब आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। हवाई पट्टी पहुंचने के बाद सबसे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। दोनों नेताओं ने छिंदवाड़ा सहित प्रदेशवासियों के लिए कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की। मैंने हनुमान जी से आज प्रार्थना करी है अपने छिंदवाड़ा वासियों और प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य, उनके सुख के लिए मैंने प्रार्थना करी। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने सर्किट हाउस में विधायकों, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी की मौजूदगी में कलेक्टर एसपी अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब है, कोरोना मरीजों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर की भारत में कोई तैयारी नहीं की गई थी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि यहाँ की टेस्टिंग का कोटा बढ़ाएं, अगर पूरी टेस्टिंग नहीं होती तो जिसको इन्फेक्शन है वो दूसरों को दे देता है, जब टेस्टिंग होती है सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता अगर वो पॉजिटिव हुए वो दूसरों को इन्फेक्शन दे देता है। वैक्सीन की कमी है, ये तो घोषणाएं करते हैं कि इतने लाखों का होगा, पर वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन पहुंच नहीं रहा, और ऐलान कर रहे हैं, ये घोषणाओं की, ये ऐलान की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। सर आपके निरंतर प्रयास जारी रहेंगे छिंदवाड़ा समेत पूरे मेरे छिंदवाड़ा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए मेरे निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। कोरोना के सेकंड वेव में वायरस का अटैक घातक है। अप्रैल के 30 दिनों में करीब 1000 जिंदगियां छीनने के बाद मई में भी इस वायरस का कहर कम नहीं हो रहा। बुधवार को करीब 20 मरीजों की सांसें वायरस अटैक के घातक प्रभाव से टूट गईं। वहीं 1 मई से अब तक 5 दिनों में 125 मरीजों का अंतिम संस्कार कोविड 19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थानीय कब्रिस्तान और मोक्षधाम में कराया गया है। फिलहाल 350 से अधिक संक्रमितों का उपचार चल रहा है, इनमें से कई मरीज वेंटिलेटर और आईसीयू में हैं। मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना पेशेंट के लिए एम्बुलेंस की दरें पूरे प्रदेश के लिए एक समान करने के निर्देश जारी करते हुए दोनों ही प्रकार के एम्बुलेंस के लिए रेट जारी कर दिए हैं, जिसके बाद शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रथम 10 किलोमीटर तक 250, 500 और 800 रुपए के बाद 20 और 25 रुपए प्रति किलोमीटर ही चार्ज किया जा सकता है। 12 चक्का ट्रक में ऊपर नीचे दो भाग करके सैकड़ों की संख्या में गौवंश की तस्करी का मामला पकड़ा गया है। मोगांव थाना के सत्रापुर में गौवंश से भरे ट्रक को राष्ट्रीय बजरंग दल के सहयोग से पकड़ा गया। प्रांत अध्यक्ष शिव उसरेठे ने बताया कि उन्हें गौवंश परिषद के प्रांत अध्यक्ष मुकेश विश्वकर्मा द्वारा फोन पर सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर तरफ से गौवंश से भरा ट्रक आ रहा है जो महाराष्ट्र की ओर जा रहा है, जिसका पीछा किया और सत्रापुर में ट्रक पकड़ लिया। ट्रक में क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर गौवंश भरे हुए थे, जिन्हें वध कत्ल खाने भिजवाया जा रहा था। पुलिस कार्रवाई कर रही है। नल का बिल एक मुश्त जमा करने पर उपभोक्ताओं को 1 महीने की छूट का समय 30 अप्रैल की जगह 27 मई कर दिया गया है। पूर्व सभापति अभिलाष गोहले ने कल निगम प्रशासन को छूट का समय बढ़ाने के लिए पत्र लिखते हुए निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद निगम ने छूट अवधि बढ़ा दी। गोहेद ने अधिक से अधिक लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की और निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। कपड़ों की दो दुकानों पर विगत 1 मई को लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर सीज किया गया था, जिसे आज विभागीय अधिकारी और तहसीलदार के आदेश पर 2500 रुपए का चालान कर खोल दिया गया। वहीं निगम की टीम ने निगम आयुक्त के आदेश पर शहर के सभी क्षेत्रों में घूमकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और कोरोना टीका लगवाने का प्रचार किया।
कोरोना संक्रमण काल में गरीब परिवारों को 3 माह का राशन देने की योजना को पलीता लगाया जा रहा है। हितग्राहियों का 3 माह के बदले 1 या 2 माह का राशन दिया जा रहा है। रामाकोना संवाददाता ने बताया कि कुछ दुकानों में तो निःशुल्क राशन की भी राशि वसूली जा रही है। सौसर ब्लॉक में राशन की 57 दुकानें हैं, इनमें माह अप्रैल, मई और जून का राशन वितरण होना था। बताया जा रहा है कि शिकायत होने पर दुकान के वितरकों ने राशि लौटाने और आगामी माह में निःशुल्क राशन देने की बात कर ग्रामीणों को चुप कर दिया। मौखेड़ जनपद अंतर्गत गोविंदवाड़ी पंचायत के रोहनाढाना में राशन लेने पहुंचे लोगों में कोरोना संक्रमण का डर नहीं दिखा। काफी लोग मास्क तक नहीं लगाए हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ। बुलेटिन वक्त उतरा, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। देहात गांव में ज्यादा संख्या में शादी समारोह का आयोजन हो रहे हैं, यही हाल जिला मुख्यालय में निगम के ग्रामीण वार्डों का है, जहां शादी विवाह में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक मामला गोविंदवाड़ी माल में देखने को मिला, जिसमें बारातियों की संख्या 35 से 40 नजर आई, जो बिना मास्क गाड़ी में खूब ठूस ठूस कर बैठे थे। पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने बिना किसी कार्रवाई किए समझाइश देकर चले गए। जुन्नारदेव में प्रदेश सेपक टकरा एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सिंह राजपूत और महासचिव प्रतीक केशरवानी के मार्गदर्शन में 1 मई से ऑनलाइन सेपक टकरा खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह 7:45 बजे से जूम ऐप की सहायता से संचालित किया जा रहा है। इस दौरान खेल प्रशिक्षक योगेश रुकमांगन द्वारा प्रशिक्षण में शामिल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को फिजिकल एक्टिविटी, PT और कूल डाउन एक्सरसाइज का प्रशिक्षण दिया गया। क्योंकि जो आपका गेम सपट टकरा है पूरा, आई थिंक मेरे हिसाब से पैरों से खेला जाता है, ठीक है? तो आपके पैर जितने होंगे टाइट होंगे, जितने आपके स्ट्रांग होंगे, तो आपको सच में फायदा मिलेगा, ठीक है? दमुआ के सोशल मीडिया ग्रुप के सदस्यों, युवाओं, व्यापारियों ने दमुआ अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संजय भटकर को जनसहयोग से उपलब्ध ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर मशीन सौंपी। ग्रुप के सदस्यों में प्रवीण खुंगर, विनोद निरापुरे, नीटू गांधी ने क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में दमुआ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुले मन से सहयोग करें। ये कंसंट्रेटर और इसके पहले जो भी दवाइयां वगैरह आपके द्वारा दी गई और ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए, मैं अपने अस्पताल की ओर से आपका अभिनंदन भी करता हूँ और आभारी भी। एक पहल की गई कि कलेक्शन करके, चंदा इकट्ठा करके और जन सहयोग से दमुआ चिकित्सालय में सुविधा बढ़ाई जाए इलाज की, इस हेतु एक पहल की गई युवाओं द्वारा, और उस पहल को व्यापारियों ने बहुत अच्छे ढंग से सहयोग दिया, नगर के सभी सम्राट नागरिकों ने बहुत सहयोग दिया और धीरे धीरे करके यह कलेक्शन एकत्रित होता गया, पहल आगे बढ़ती गई। सर्वप्रथम सिलेंडर लाए गए, उसके बाद हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ कम थी डॉक्टर भटकर साहब से चर्चा करके दवाइयाँ दी गई। जिले के चांद थाना अंतर्गत ग्राम बीजापानी में एक खेत के कुएं में मिले महिला के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चांद थाना प्रभारी दीपक डहरिया ने बताया कि मृतका महिला के शव की शनाख्त संतोषी उनाती के रूप में हुई है, जो निवासी सामरबो थाना बछुआ की रहने वाली है। महिला के सिर पर चोट के निशान थे। संदेह के आधार पर दिलीप कड़वे को अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उक्त मृतक संतोषी महिला की हत्या करना उसे स्वीकार किया। कल प्रातःकालीन सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बीजापानी में कुएं में एक अज्ञात महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, महिला के शव को निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त संतोषी इवनाती निवासी सांबरबोग थाना बिछुआ के रूप में हुई, जो अपने मामा के यहाँ कुछ दिनों से रह रही थी, मजदूरी कर रही थी। मामला प्रथम दृष्टया हत्या का पाया गया, क्योंकि महिला के सिर में ठोस वस्तु से चोट के निशान थे। वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर सूक्ष्मता से विवेचना का प्रारंभ किया गया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही दिलीप कल्पे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने महिला की हत्या करना स्वीकार। COVID-19 की दूसरी लहर को देख लोधीखेड़ा में नरेंद्र मेडिकल के संचालक और वत्ताकार सोसाइटी के अध्यक्ष शशिकांत राय द्वारा लोधीखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र को COVID-19 के मरीज के उपचार के लिए
10,000 रुपए की दवाएं लोधीखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अलका जैन और थाना प्रभारी भूपेंद्र गुलबांके और नगर परिषद सीएमओ वैभव देशमुख और सौंसर जोन के डॉक्टर शास्त्री की उपस्थिति में शशिकांत राय और यश राय के द्वारा उपचार के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को भेंट की गई। शशिकांत राय ने पिछले साल लॉकडाउन में प्रभावित 200 परिवार को राशन किट दी थी। शनिचरा बाजार स्थित 3 से 4 दुकानों में आज सुबह आग लग गई। धुआं निकलते ही राहगीरों ने जल्द ही पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तत्काल ही दुकानों से उठा धुआं देखकर आग बुझाने का काम किया, जिससे आग अधिक नहीं फैल सकी। क्या नुकसान हुआ पता चला? हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। कितनी दुकान जली है? 2-3 दुकान जली। 2-3 दुकान जली। कितने बजे की घटना है? अभी सुबह की है, आधा घंटा पहले। जिला चिकित्सालय में कार्यरत मेटर्निटी विंग की नर्सिंग इंचार्ज सिस्टर फरहा कुरैशी की विगत 4 मई को कोरोना से संघर्ष करते हुए जिला चिकित्सालय के कोविड ICU वार्ड में निधन हो गया, जिनके अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत 5 मई को सुबह किया गया। जिला नर्सेस एसोसिएशन और जिला पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और समस्त नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा उनके अंतिम विदाई पूरे सम्मान के साथ की गई। स्वर्गीय कुरैशी और मृदुभाषी और कुशल इंचार्ज सिस्टर थी, जिनके असमय निधन पर सभी नर्सिंग स्टाफों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। नगर परिषद सीएमओ और थाना प्रभारी लोधीखेड़ा द्वारा मिर्ची बाजार में मिल रही शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दहेज का सामान देते हुए खुली हुई दुकान पर सीज की कार्रवाई की गई। कोविड-19 पॉजिटिव मरीज उम्र 38 वर्षीय पुरुष तिगांव निवासी और 31 वर्षीय महिला तिगांव निवासी और 25 वर्षीय तार बाजार पांडुन निवासी, जो कोरोना से संक्रमित होकर 17 अप्रैल, 27 अप्रैल और 16 अप्रैल को कोविड केयर सेंटर में भर्ती हुए थे, बेहतर इलाज से तीनों मरीज कोरोना को मात देकर 4 मई को कोरोना से पूर्ण स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर लौटे। बस स्टैंड पे रहता हूँ और 16 तारीख को मैं यहाँ पे एडमिट हुआ था और आज यहाँ से जा रहा हूँ 3 तारीख को। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और खाने के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मैं 12 तारीख को पॉजिटिव आया था, मैं तीगांव का रहने वाला हूँ और 17 तारीख को मैं यहाँ भर्ती हुआ और करीब आज 14 दिन हो गया, 14-15 दिन हो गए, पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ मैं। खाने पीने की अच्छी सुविधा थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।